अच्छा मेमोरी से हमने स्टार्ट करना है मेमोरी हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के, के जैसे हम बाकी कंपोनेंट्स पढ़े एक उसका कंपोनेंट है मेमोरी ठीक है मेमोरी को थोड़ा डिटेल से हमने देखना है कि मेमोरी होता क्या है मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर डाटा नीडिड बाई दो इंस्ट्रक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा अब मेमरी क्या होता है ये एक अलक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन uh, जिन्होंने अभी एग्जीक्यूट होना है सिस्टम से जिन्होंने अभी प्रोसेसर के पास जाना है एग्जीक्यूशन के लिए जो वहां पर वेट कर रही है वो पड़ी होती है हमारी मेमरी के अंदर मेमरी मीन्स हमारी रैम ठीक है हमारे सिस्टम की रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कहते हैं ठीक है यहाँ पे क्या है इंस्ट्रक्शन जो है पहले आती हैं फिर प्रोसेसर यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर देता है और यहाँ से उठा के फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा देता है ठीक है तो मेमोरी के अंदर क्या है इंस्ट्रक्शन जिन्होंने भी एग्जीक्यूट होना वो भी पड़ी होती हैं एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट्स कंपाइल होने के बाद हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं मेमोरी के अंदर ठीक है फ्यूचर यूज के लिए ताकि बाद में हम इनको यूज कर लेंगे ठीक है अब यहाँ पे तीन बेसिक कैटेगरीज बताई हुई है मेमरी की स्टोर थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ आइटम द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है अब के, के क्या है कि हम मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो है कि हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी दूसरे जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको ठीक है के मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के हैं चाहे वो सिस्टम के लेवल के हैं या फिर एप्लीकेशन लेवल के हैं वो हम लोग रख सकते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो रख सकते हैं उसके अलावा डाटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड रिज़ल्टिंग इंफॉर्मेशन जैसे पहले बात हुई है कि डाटा जिन जिसने अभी प्रोसेस होना है ठीक है एग्जीक्यूशन से पहले जो वेट कर रहा है वो भी रख सकते हैं और एग्जीक्यूशन के बाद जो रिज़ल्ट आउटपुट बन जाती है उसको भी रख सकते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे मेमोरी की हेरिकी बताई हुई है हम कहते हैं ये इतने के बी का है ये इतने एम बीस का है इतने जी बीस का है वो क्या चीज है अब ईच लोकेशन इन मेमोरी मेमोरी हैज अ एड्रेस जो है हमारी सेल फॉर्म में होती है ठीक है छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं हर एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं और उस हर एक सेल का उस हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है एड्रेस इसलिए दिया जाता है कि हमने मेमोरी को कहीं से भी करना है आ, मतलब अगर आ, आठवीं लोकेशन मेमोरी को एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम उसका इंडेक्स दे नंबर दे देंगे एर्थ ठीक है बजाय इसके कि हम लोग मेमोरी के जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो वन टू थ्री एर्थ तक जाए ठीक है तो एड्रेस दे दिया जाता है ताकि मेमोरी को डायरेक्टली जो है हम लोग एक्सेस कर सके उसके अंदर रीड और राइट जो है वो इजीली कर सके ठीक है और कभी भी एक्सेस करना हो तो उसका एड्रेस बता के हम मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं अब मेमोरी साइज इज मेजर्ड इन केबीज अब मेमोरी जो है हमने वो मेजर करनी होती है केबीज के अंदर के बी क्या होता है किलो बाइट ठीक है अब यहाँ पे नीचे जो है ये मयर्स दी गई है इनको देख लेते हैं सबसे आ, हमारे पास होती है बिट बिट से हमारा बनता है निबल फोर बिट का एक निबल होता है एट बिट का जो है एक बाइट होती है और फिर जो है वन थाउजेंड बाइट जो है मिलके हमारी किलो बाइट बनाती है ठीक है यहाँ पे इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दी गई है आप लोग किस तरह से कर सकते हैं जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होती हैं वन के बी के अंदर वन थाउजेंड भी आप अप्रोक्सीमेटली है वन जीरो टू फोर होती है ठीक uh, है बिट्स जो और इसका कितना साइज होता है वन बी का वन बाय टू पेज आप एक जो लिखते हैं पैराग्राफ का वो हो जाता है आपके पास वन के बी का ठीक है इसी तरह से वन मिलियन इंस्ट्रक्शन जो है uh, वो हमारी एमबीस बन जाती है फिर एम बी से बड़ा वाला जो मैयर है वो जीबी होता है और जीबी से आगे टेरा बाइट पीटा बाइट ठीक है ये फिर आगे आगे जीटा बाइट ये जी चलते रहते हैं ढेर सारे तो इस तरह से हमारी मेमोरी की ये हिरार की चलती रहती है आगे हमारे पास के मेमोरी जो है हमारी दो तरह की होती है एक होती है वोलाटाइल और एक होती है नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ जो हमारी रैम होती है सिस्टम की ठीक है रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी रैम कौन सी है वोलाटाइल मेमोरी है इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है कि जब तक हमारे सिस्टम को पावर मिलती रहती है लाइट मेरी है इलेक्ट्रिसिटी मेरी है इसके कंटेंट्स हैं लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया इसके कॉन्टेंट्स जो है अरेज हो जाते हैं ठीक है फिर तो उसके बाद वो नहीं रहते मेमरी के अंदर नॉन वोलाटाइल कौन सी मेमरी होती है डज नॉट लॉस कॉन्टेंट वेन पावर इज रिमूव ठीक है जब आपने स्विच ऑफ भी कर दिया तो इसके कॉन्टेंट्स जो है वो परमानेंटली इसके अंदर पड़े रहते हैं जिसको हम रोम कहते हैं ठीक है रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी होती है हमारी तो इसके कॉन्टेंट्स के पड़े रहते हैं सेव होते हैं जब हम दोबारा अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो क्या है हमें वहीं से वो कॉन्टेंट उसी तरह से मिले मिल, मिलते हैं जैसे वो पहले होते हैं कोई भी चीज वहां से लॉस नहीं होती ठीक है तो ये होती है हमारे पास वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमरी अब यहाँ पे मेमोरी के ही डिफरेंट आगे टाइप्स जो है फर्दर इनको कैटेगराइज किया गया उनको देख लेते हैं डी रैम डी रैम होती है डायनेमिक रैम डायनेमिक का मतलब है कि ये फिक्स नहीं होती इसके अंदर आप लोग जो है चेंजिंग्स कर सकते हैं ये जो है मेमोरी कुछ कुछ टाइम के बाद रिफ्रेश होती रहती है ठीक है रिफ्रेश होती रहती है अपने कंटेंट्स को रीअरेंज करती रहती है इस तरह की होती है यहाँ पे नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई एक दफा पढ़नी है तो इसको पढ़ लेते हैं डी रैम इज अ टाइप ऑफ रैम दैट स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा ऑन अ सेपरेट कैपेसिटर ठीक है डी रैम हमारे पास डायनेमिक होती है जो कि सेपरेट uh, कैपेसिटर ठीक है एक अलग अलग लोकेशन के ऊपर जो है हर एक जो है उसको स्टोर करती रहती है और कुछ टाइम के बाद जो है ये मेमोरी रिफ्रेश होती रहती है जबकि स्टैटिक जो मेमोरी हमारे पास एस रैम है ये जो है पीरियोडिकली इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती इसके कॉन्टेंट्स जो है वो फिक्स रहते हैं ठीक है, है? स्टैटिक स्टेटिकी लेकिन स्टैटिक वाली क्या है फास्ट होती है क्योंकि रिफ्रेश नहीं करनी कॉन्टेंट्स इसी तरह से एक्सेस हो जाते हैं तो थोड़ी फास्ट होती है डायनामिक से आर रैम कौन सी है हमारे पास एम रैम कौन सी है हमारे पास एम रैम जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होते हैं ठीक है जिसकी बेस पे जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है इसके अंदर जो है दोनों की जो अच्छी वाली करेक्टरिस्टिक है ना उनको कंबाइन कर लिया जाता है मींस एक तो इसकी एस रैम की जो स्पीड है फास्ट स्पीड वो वाली इसके अंदर इनहेरिट कर ली उसके अलावा नॉन वॉलेटिलिटी मीन्स कॉन्टेंट्स जो हैं वो रिमूव uh, नहीं होते वो वाली करेक्टरिस्टिक भी डाल दी ठीक है और मोर एफिशिएंट है ये वाली ठीक है दोनों के नस्बत इसी तरह से फिर नीचे कुछ और मेमोरीज uh, इन्होंने फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है जिसको हम लोग देख लेते हैं एस डी रैम सिंक्रोनियस डी रैम डी रैम हमने यहाँ पे पढ़ा डायनेमिक रैम है और एस साथ में लगा दिया सिंक्रोनियस इसका क्या मतलब है सिंक्रोनाइज टू द सिस्टम क्लॉक ये मेमोरी जो है सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज है मीन जो सा ऑपरेशन मेमोरी के अंदर परफॉर्म हो रहा है कोई चीज आ रही है जा रही है कुछ भी हुआ है वो फौरन से सिस्टम क्लॉक उसको अपडेट कर रहा है उस सिस्टम क्लॉक का साथ में टाइम जो है वो मेंटेन हो रहा है साथ में मेमोरी के ठीक है तो ये सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज है मच फास्टर द डी डी रैम, रैम से ज्यादा फास्टर है ये वाली एस डी रैम ठीक है डी डी आर एस डी रैम अब एस डी रैम हमने ऊपर पढ़ा, उसके साथ इन्होंने और साथ क्या अटैच कर दी डी डी आर डबल डेटा रेट ठीक है इसकी अब क्या क्वालिटी uh, है ट्रांसफर डेटा ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस फॉर ईच क्लॉक साइकिल यहाँ पे जो एक क्लॉक साइकिल के अंदर ये डेटा सेंड कर रहा था ये उससे डबल जो है डेटा ट्रांसफर करता है इसलिए डी इसको कहा गया कि डबल डेटा रेट ठीक है डबल डेटा रेट ट्रांसफर होता है आ, आगे अगर एस डी रैम डी डी आर टू डीडीआर टू अब क्या कहती है ये डी डी आर वन बना था यह अब डी डी आर टू और डी डी आर थ्री उसकी इनहसमेंट आ गया है सेकेंड जनरेशन ऑफ डीडीआर फास्टर देन द डीडीआर डी डी आर वन से फास्टर बना डी डी आर टू डीडीआर थ्री के थर्ड जनरेशन ऑफ डी डी आर डिजाइन फॉर कंप्यूटर विद मल्टी कोर प्रोसेसर ठीक है अब ये किस लिए है मल्टी कोर प्रोसेसर के लिए जहां पे एक से ज्यादा आपके प्रोसेसर लगे हुए हैं और हैवी टाइप की वर्किंग जो है आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है ठीक है और डीडीआर टू से भी ज्यादा फास्टर है आर डी रैम डी रैम हमने पहले पढ़ा आर मींस रंबस यूज इज पाइप लाइनिंग टेक्निक मच फास्टर दें द एस डी रैम ठीक है अब एक एस डी रैम से फास्टर है और दूसरी पाइप लाइनिंग यूज करता है पाइप लाइनिंग हमने पीछे पड़ी जो कि एक इंस्ट्रक्शन के कम्प्लीट उनसे पहले सेकेंड वाली स्टार्ट हो जाती है मीन एक टाइम पे मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रही होती है ठीक है तो पाइप लाइनिंग टेक्निक जो है इसके अंदर यूज हो रही होती है रैम चिप यूजली रिसाइड्स ऑन अ मेमरी मोड्यूल एंड आर इंजर्टेड इन टू दी स्लॉट ठीक है ये तो आप लोगों को पता होगा कि मेमरी स्लॉट्स जहाँ पे जो है मेमरी uh, को इंजर्ट किया जाता है ठीक है चिप होती है जिसके ऊपर हमारी मेमरी होती है और उसको uh, जो मेमरी स्लॉट होती है मेमरी की जगह बनी हुई होती है वहां पे हम लोग उसको इम्बेड कर देते हैं उसको निकाल भी सकते हैं उसको वहां पे इंजर्ट भी कर देते हैं अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अ uh, डिफरेंट तरह के कामों के लिए कितनी मेमरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है ठीक है एक दफा इसको पढ़ लेते हैं अमाउंट ऑफ रैम नेसेसरी इन अ कंप्यूटर ऑफन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू प्लान टू यूज ठीक है अब ये कि आप किस तरह का सिस्टम यूज कर रहे हैं किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर मेमोरी जो है वो देखी जाती है कि मेमोरी की कितनी यहाँ पे अमाउंट uh, रिक्वायर्ड है ठीक है अगर नॉर्मल सा आपने काम करना है तो उसके लिए थोड़ी मेमोरी भी चल जाएगी लेकिन अगर हैवी टाइप का काम है बहुत ज्यादा स्टोरेज आपको चाहिए है तो उसके लिए मेमोरी जो है वो उतनी इनक्रीज करनी है तो उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं अगर होम और बिजनेस यूजेस वगैरह है आपके नॉर्मल इतना ज्यादा कोई हैवी वाला काम नहीं है आपने जस्ट सर्च करना है कोई फाइल्स वगैरह थोड़ी बहुत रखनी है तो उसके लिए टू जी और इससे लेस भी इनफ होता है ठीक है मेमरी का और अगर जो है आपने थोड़ा मल्टीमीडिया टाइप का काम करना है ग्राफिक्स के ऊपर आपका काम है ग्राफिक्स एडिटिंग का वीडियो ऑडियो वगैरह का ये वाले सारे काम है थोड़े से इमेज प्रोसेसिंग के तो उसके लिए टू से एट जी के दरमियान आपका सिस्टम जो है इतनी मेमोरीज की होनी चाहिए ठीक है फिर उसके अलावा अगर आप थोड़ा और जरा हैवी वाली एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जैसे कैड की है थ्री डी डिजाइनिंग है ठीक है ग्राफिक इंटेंसिव काम है थोड़े सारे मैपिंग शैपिंग के तो उसके लिए क्या है एट जी और मोर ठीक है एट जी मिनिमम होनी चाहिए और बाकी उससे ज्यादा जितनी मर्जी आप ले लें ठीक है तो इस तरह से जो है मेमोरी को साथ में देखा जाता है अच्छा अब यहाँ पे मेमोरी के अंदर हम यूज करते हैं एक वर्ड कैशे कैश भी इसको कहते हैं कैशे कहते हैं ठीक है, है ये क्या होता है मेमोरी कैशे है कोई आइडिया क्या होता है मेमोरी कैशे कैशे हम किसको कहते हैं कोई आइडिया हो आप लोग को चले मैं ही बता देती हूँ ज्यादा टाइम हो जाएगा मेमरी कैशिज स्पीड द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैश क्या है हमारी फास्टर एक्सेस मेमरी होती है छोटी सी मेमरी होती है लेकिन बड़ी फास्टली एक्सेस हो जाती है इसके अंदर कौन सी चीजें हम रखते हैं कौन सा डाटा रखते हैं वो डाटा हम कैशे में रखते हैं जो कि बार बार रिक्वायर हो रहा है जो कि फ्रिक्वेंटली जिस डाटा की डिमांड दिमा, हो रही है ना मतलब एक ही दफा हमने कोई पेज जो है सर्वर से लिंक लेके लिया दूसरी दफा फिर वही वाला पेज खोला तीसरी दफा फिर वही पेज खोला तो मतलब वो डाटा जो बार बार हम एक्सेस कर रहे हैं या फिर हमारे सिस्टम के अंदर कोई फाइल पड़ी है हम बार बार उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वो डाटा जो फ्रिक्वेंटली हमारा एक्सेसिबल है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं जो मोस्ट रिक्वायर्ड है वो वाला डाटा हम उठाकर कैशे में रख देते हैं ताकि बजाय इसके कि हम मेमोरी के अंदर जाके उसको फाइंड करते रहे उसको सर्च करें और फिर ढूंढ के लाए हर दफा हमें ज्यादा एक्सेस टाइम देना पड़े हम क्या करते हैं उसको कैशे में रख देते हैं और वो कैशे से फौरन जाके देख लेते हैं ये वाला अगर पड़ा हुआ है तो वहां से एक्सेस कर लेते हैं और अगर वहां पे नहीं है तो फिर मेमोरी में जाते हैं उसको ढूंढने के लिए ठीक है लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली डाटा जो एक्सेसिबल होता है उसको हम कैशे में रख देते हैं तो इसलिए ये जो है बड़ा फास्टर होता है फास्टली एक्सेस हो जाता है डाटा यहां से ठीक है अब कैशे के कुछ लेवल इन्होंने बनाए हुए हैं तीन लेवल बनाए हुए हैं एल वन कैश है एल टू है, है और एल थ्री है अब सबसे पहले इसको देखते हैं ये हमारा क्या है प्रोसेसर ठीक है ये प्रोसेसर लिखा हुआ है ये हमारा क्या है पूरा प्रोसेसर है अभी अंदर वाली चीजें छोड़ दे ये हमारी क्या है रैम है हमारी मेमोरी है अब प्रोसेसर और रैम के दरमियान क्या है कनेक्शन दिया हुआ है ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोसेसर ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है उसके लिए वो इंफॉर्मेशन से उठ, उठाता है रैम से तो जो भी डाटा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए डाटा आप पहले लाके रखते हैं रैम में अपनी मेमरी अपनी मेन मेमरी में रखते हैं ठीक है थीके? वहां से प्रोसेसर उसको एक्सेस करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है बाकी इधर उधर से प्रोसेसर का काम नहीं होता वो मेमोरी रैम से वो डाटा रैम से उठाता और वहीं पे फिर जो है ऑपरेशन वहां से लेके परफॉर्म करता है ठीक है अब ये इसका कनेक्शन है अब जो L1 वन कैशियर और L2 है ना लेवल वन का और लेवल टू का है, उसको प्रोसेसर के अंदर ही फिक्स कर दिया और जो लेवल थ्री का कैशियर है उसको प्रोसेसर और रैम के दरमियान में फिक्स कर दिया अब L1 जो है ये सबसे फर्स्ट जो है वो एक्सेसिबल है क्यों फर्स्टली एक्सेसिबल है क्योंकि ये प्रोसेसर का पार्ट है प्रोसेसर के अंदर ही है इस प्रोसेसर को बाहर जाने की अपने से बाहर जाने की भी जरूरत ही नहीं है ठीक है तो मतलब मेमोरी से भी उठाने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर ही कि प्रोसेसर बार बार जिन इंस्ट्रक्शन को जो है वो यूज कर रहा है वो उनको अपने अंदर लेवल वन में रख लिया फास्टली एक्सेसिबल होगी ठीक है उसके बाद है लेवल टू ये भी पार्ट है प्रोसेसर का लेकिन लेवल वन के बाद ये जुड़ा हुआ है ठीक है मतलब पहले जो लेवल वन से देखेगा मोस्ट फ्रिक्वेंटली और उसके बाद थोड़ी सी लेस फ्रिक्वेंटली जो है वो लेवल टू में आ जाएंगी ये स्लो होगा एल वन से क्योंकि उससे थोड़ा सा बाद में लगा हुआ है लेकिन वैसे ओवरऑल बड़ा फास्टर होगा क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर ही लगा हुआ है ठीक है और उसके बाद जो रैम तक भी ना जाना पड़े प्रोसेसर को उससे भी पहले यहाँ पे लेवल थ्री वाला जो है वो रख दिया है ठीक है जो कि एल वन और एल टू से थोड़ा अः स्लोवर है लेकिन ओवरऑल फास्टर है कि आपको मेमोरी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो ये तीन लेवल है हमारे पास कैशे के जो के दो जो है वो प्रोसेसर के अंदर होते हैं और थर्ड जो है वो इनके दरमियान में होता है इसी तरह से फिर अब कैशे खत्म हो गया अब जो सिंपल ऑपरेशन है ठीक है प्रोसेसर ने जो है वो मेमोरी से आके इंस्ट्रक्शन उठानी है और इसको आ, यूज करना ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है और ये स्लोवर है एल वन टू और थ्री तीनों से ठीक है और फिर अगर हमारे रैम में भी डाटा नहीं होता तो फिर एक्स्ट्रा क्या अलग से हमने स्टोरेज रखे हुए होते हैं हार्ड डिस्क वगैरह भी हमारी होती है वहां से जाके फिर लेके ले आते हैं डाटा को ठीक है इस तरह से जो है आगे हमारे पास मेमोरी की फिर कुछ फर्दर टाइप्स हैं एक है रोम एक आ? है पी रोम और एक है ई प्रोम ठीक है पहले हमने रैम को पढ़ा ठीक है नॉन वोला को Uh, पहले हमने रैम को पढ़ा अब हम रोम को पढ़ रहे हैं ठीक है रोम कौन सी मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी रैम थी हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम जो है हमारी क्या है रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हमने सिर्फ इसमें से रीडिंग करनी है इसके ऊपर हम राइट नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि हमने एक दफा कुछ लिखा हमने उसको अरेज कर दिया बार बार अरेज करते जा रहे हैं और उसके ऊपर लिखते जा रहे हैं रीड ओनली रोम मीन हम इसमें से सिर्फ रीड कर रहे हैं रेफर टू द मेमरी चिप स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ठीक है डाटा को परमानेंटली अपने अंदर स्टोर करती है आप फिर उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते फिर इसकी एक टाइप है पी रोम ठीक है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी चिप इज अ ब्लैंक रोम चिप डेट कैन बी रिटर्न टू परमानेंटली ठीक है फिर रोम आया तो रोम के साथ कुछ प्रॉब्लम गए कि एक मेमरी उसको सिर्फ एक ही दफा अगर लिखेंगे तो इस तरह तो बहुत ज्यादा स्टोरेज जो है वो लेना पड़ेगा मेमरी लेनी पड़ेगी जो अरेज होकर हम दोबारा लिख नहीं सकते तो फिर रोम की कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो आई कुछ इन्हांसमेंट आई उसमें से पहली पी रोम है पीरोम क्या है फर्स्ट टाइम ब्लैंक खाली रोम चिप आपको दी जाती है जिसके ऊपर आप एक दफा जो है वो लिख लेते हैं और वो जो लिखते हैं वो परमानेंटली लिखा जाता है फिर उसमें से रीड करते हैं ठीक है रोम जिसके ऊपर एक दफा भी नहीं लिख सकते पी रोम जिसके ऊपर एक दफा आप लोग लिख सकते हैं ठीक है ई प्रोम जो है ये कैन बी अरेजेबल ठीक है ये अरेजेबल है इसको आप जितनी बार मर्जी जो है स्पेशल आपकी ए, होती है ए, इलेक्ट्रिकल uh, वोल्टेज होते हैं जिनके थ्रू जो है आप इस रैम को जो है अरेज करते हैं और फिर बार बार जो है इसके ऊपर लिख सकते हैं ठीक है आगे हम पढ़े फ्लैश मेमोरी फ्लैश मेमोरी क्या है फ्लैश मेमोरी कैन बी अरेज इलेक्ट्रॉनिकली एंड री रिटर्न ठीक है क्योंकि हमारी रोम फ्लैश सीमोस ये सारी एक ही कैटेगरी में आ रही थी ठीक है तो इसके अंदर अब फ्लैश भी ऐसी मेमोरी है जिसको हमने अगर दोबारा राइट करना है तो इलेक्ट्रॉनिकली इसको पहले अरेज करना है ठीक है इसको अरेज करके फिर इसको राइट करना फ्लैश मेमोरी को सी मोस भी इसी की एक कैटेगरी में आती है ये क्या है सीमोस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हाई स्पीड एंड कंज्यूम लिटिल पावर ठीक है हम कहते हैं ना हमारी मेमोरी जो सी मॉस है सी मॉस क्या होता है ठीक है उसको यही मतलब है कि बड़ा ये फास्टली एक्सेसिबल होती है इसकी स्पीड फास्ट होती है लेकिन पावर जो है ये लेस कंज्यूम कर रही होती है ये इसकी एक क्वालिटी है ठीक है कि पावर लेस हीट लेस जनरेट लेकिन स्पीड इसकी जो है वो फास्ट होती है <laughs> अब ये क्या है एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम क्या होता है मेमोरी से हम रीड करते करते हैं, करते हैं, राइट तो मेमोरी का एक्सेस टाइम अब मेमोरी से प्रोसेसर टू रीड फ्रॉम मेमोरी हमें मेमोरी से कोई इंफॉर्मेशन रीड करनी है या राइट करनी है उसके लिए हमें कितना टाइम लग रहा है इसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम ठीक है और इसको नैनो सेकेंड जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इसके अंदर जो है uh, मैयर किया जाता है कि इतने नैनो सेकंड जो है इसकी एक्सेस टाइम है ठीक है जितना जो है एक्सेस टाइम कम होगा उतनी अच्छी हमारी जो है फास्टर मेमोरी होगी अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये आई क्यों दिखाई गई है आपको कुछ समझ आ रही है क्यों दिखाई गई है कि हमारी मेमोरी के अंदर एक्सेस टाइम इतने फास्ट आ गया और हमारे सिस्टम इतना फास्टली रिस्पोंड कर रहे हैं इतने फास्टली ऑपरेट कर रहे हैं कि एक सिंगल ब्लिंक के अंदर हम जो एक सिंगल आई ब्लिंक करते हैं उसके अंदर टेन मिलियन ऑपरेशन जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है ठीक है मतलब एक ब्लिंक के अंदर हमें जो है थाउजेंड्स ऑफ सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगता लेकिन उसमें देखें जो एक मिलियन ऑपरेशन जो है वो आपके परफॉर्म हो रहे हैं तो इतना फास्ट हमारा कंप्यूटर हो रहा है इतना जो है वो अच्छी स्पीड उसकी आती जा रही है ठीक है तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। अच्छा अब यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड अडॉप्टर कार्ड्स की बात हो रही है ठीक है अब यहाँ पे जितनी भी हमने पढ़नी है ये सारी स्लॉट्स पढ़नी है जो हमारे सिस्टम की साइड पे स्लॉट्स होती हैं सिस्टम के अंदर होती हैं ठीक है थीके? और डिफरेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है एन एक्सपेंशन स्लॉट इज अ सॉकेट ऑन द मदर बोर्ड डैट कैन होल्ड एन एडॉप्टर कार्ड अब सबसे पहले देखते हैं अडोप्टर कार्ड क्या है ठीक है एन अडोप्टर कार्ड इनहेंस फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट एंड और प्रोवाइड कनेक्शन टू द पेरीफ्रल आपके पेरीफ्रल डिवाइसेस कौन से होते हैं आपके इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइसेस जिनको आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं आपके प्रिंटर हो गए माउस हो गए ये सारे ठीक है अब इन सारे डिवाइस को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट होती है जो वो सॉकेट बनी हुई होती है आपके सिस्टम के साथ जहाँ पे आप प्लग इन करते हैं वो होते हैं अडोप्टर कार्ड ठीक है तो अब एक्सपेंशन स्लॉट क्या करती है इज अ सॉकेट ऑन द मदर बोर्ड दैट कैन होल्ड द एडोप्टर कार्ड ठीक है तो ये आपकी जितनी भी अडोप्टर्स पोर्ट्स होती हैं ये ए, अंदर से जाके जो है आपका मेन जो सर्किट है जो मेन मदर बोर्ड है उसी के साथ जो है अटैच हो रही होती है ठीक है बाहर से हमें लग रहा होता है सिस्टम साइड साइड पोर्ट पोर्ट है इस भी पोर्ट है इस लेकिन वो जा, अंदर जाके के साथ अटैच हो ठीक है प्लेस विद प्लग एंड प्लेस द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैन कंफिगर एडोप्टर कार्ड एंड अदर पेरीफ्रल एज यू इंस्टॉल दम प्लग एंड प्ले क्या होता है के हमने सिस्टम के अंदर कोई अः एक्सटर्नल पेरिफेरल जो है वो लगाया कोई फ्लैश ही लगा दी सिस्टम के अंदर यूएसबी हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है डिटेक्ट करता है और इसकी इंस्टॉलेशन की हमें लिए uh, हमें वो ऑप्शन दे देता है हम क्लिक करते हैं वो इंस्टॉल हो जाता है मतलब थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है और फिर हमारी फ्लैश जो सिस्टम डिटेक्ट करके उसको हमारे सामने ओपन कर देता है ठीक है तो इस तरह से प्लग एंड प्ले क्या है ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम उनको जो है वो कंफिगर करते हैं और वो यूजेबल होते हैं हमारे फॉर्म के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर ठीक है रिमूवेबल फ्लैश मेमरी मेमरी कार्ड है आपके यूएसबी फ्लैश ड्राइव है पी सी कार्ड है एक्सप्रेस आपके कार्ड मोड्यूल्स वगैरह यूज होते हैं ठीक है थीके? ये सारे भी क्या है हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इनको यूज करते हैं हमारे पास कार्ड है और ये भी क्या है हमारे सिस्टम की डिफरेंट पोर्ट्स हैं उनके अंदर लगती है ठीक है ये यूएस बी लगा लगी हुई है यहाँ पे ये क्या है एक्सप्रेस कार्ड लगा होता है जो कि हमारी नोटबुक कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में भी अक्सर इनकी पोर्ट होती है ठीक है जरा जिनकी वेस्ट ज्यादा होती है इस तरह की तो ये सारे के एक्सपेंशन uh, स्लॉट्स जो है बनी हुई होती है उनके अंदर हम इनको इम्बेट करते हैं अब पोर्ट होता क्या है, ठीक है अ पोर्ट इज द पॉइंट एट विच अल्स अटैच टू और कम्युनिकेट विद द सिस्टम यूनिट ठीक है अब हमारा सिस्टम जो है अच्छा पोर्ट क्या होता है पोर्ट होता है वो आपके सिस्टम का ये एक सॉकेट uh, सा होता है जहां पे आपके एक्सटर्नल पेरीफ्रेल्स जो है वो अटैच होते हैं और आपके सिस्टम यूनिट के साथ कम्युनिकेट करते हैं ठीक uh, है आपके जो इंफॉर्मेशन वगैरह है इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू फिर आगे सिस्टम के अंदर ट्रेवल होती है ठीक है इन पोर्ट्स को हम लोग जैक भी कहते हैं जैक कह लें पोर्ट कह लें कुछ भी कह लें स्लॉट कह लें कनेक्टर्स क्या है ज्वाइन अ केबल टू अ पोर्ट ठीक है अब इनके दरमियान आपने डिफरेंस रखना है आगे हमने पोर्ट एंड कनेक्टर पढ़ने हैं पोर्ट क्या होता है वो पॉइंट होता है जिस पे आपके पेरीफ्रल डिवाइसेस अटैच होते हैं ठीक है जैसे ये फ्री uh, के लिए पोर्ट बनी हुई है यूएसबी के लिए बनी हुई है वो होती है पोर्ट ठीक है और कनेक्टर्स क्या है जो इन पोर्ट्स को अंदर केबल के थ्रू मिलाते हैं ठीक है कनेक्टर्स होते हैं डिफरेंट जो कि हमारे डाटा को ट्रांसफर करते हैं ट्रेवल करते हैं सिस्टम के अंदर एक से दूसरी जगह ठीक है तो ज्वाइंस अ केबल टू अ पोर्ट ठीक है उन पोर्ट्स को केबल के थ्रू जो है वो ज्वाइन करवाते हैं तो इनको अब आपने आगे हमने देखना है पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स को ये आ, यहां पे फ्रंट और बैक दिखाया गया है हमारे सिस्टम यूनिट का यहाँ पे ढेर सारी पोर्ट्स और कनेक्टर्स की जगह जो है वो दिखाई गई है ठीक है एच डी एम आई ये देखे पोर्ट की बनी हुई है जब हमारे जो है मल्टीमीडिया अटैच नहीं होते प्रोजेक्टर वगैरह तो फिर हम कन्वर्टर लगाते हैं उन कन्वर्टर की जो पिन होती है उनको अटैच कर लेते तो ये डिफरेंट तरह के इन सबको हमने बारी बारी आगे पढ़ना है ठीक है इनको यहाँ पे नहीं देखते आगे इन डिटेल इन सबको देखते हैं ऑन अ नोटबुक कंप्यूटर द पोर्ट्स आर ऑन द बैक फ्रंट एंड साइड्स ठीक है हमारे जो नोटबुक कंप्यूटर्स है हमारे जो लैपटॉप वगैरह वहां पे क्या होते हैं हमारी लैपटॉप की लेफ्ट राइट right और बैक फ्रंट इन साइड्स पे ये सारी पोर्ट्स बनी हुई होती है ठीक है जबकि यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए इन्होंने दिखाई है सिस्टम यूनिट के फ्रंट और बैक पे होती है ठीक है ये सारी पोर्ट्स जो है वो इन्होंने दिखाई हुई है कि मोनिटर के लिए कौन सी पोर्ट लगती है स्पीकर के लिए कौन सी लगती है ठीक है तो ये केबल टीवी के लिए कौन सी ऑडियो वीडियो कार्ड के लिए कौन सी है यूएसबी के लिए कौन सी ये सारी पोर्ट्स यहाँ पे दिखाई गई है अब इन सब पोर्ट्स को देखते हैं सबसे पहले है यूएसबी पोर्ट अ यूएसबी पोर्ट कैन कनेक्ट अप टू वन ट्वेंटी सेवन डिफरेंट पैरिफ्रल्स टूगेदर सिंगल कनेक्टर जो यूएसबी पोर्ट है ना वो एक टाइम पे 127 डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकती है ठीक है एक सिंगल कनेक्टर के थ्रू कि उसका एक सिंगल कनेक्टर होता है जो कि यूएसबी पोर्ट पे अटैच होता है और बाकी जो है 127 फेसेस जो है वो उसके साथ अटैच किए जा सकते हैं और 127 ट्वेंटी सेवन पेरिफ्रल डिवाइसेज डिफरेंट किस्म के आप वहां पे अटैच कर सकते हैं सिस्टम के साथ ठीक है ये इसकी यूएसबी पोर्ट की सबसे बड़ी बात है कि ये वन ट्वेंटी डिवाइसिस को कनेक्ट करवा देता है यू कैन अटैच मल्टीपल पैरिफ्रल सिंगल यूएसबी पोर्ट विदी हब ठीक है यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करवा लेते हैं अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के अट्स बताई गई है सबसे पहली है फायर वायर पोर्ट अब इन सबकी डिटेल जो है वो मैंने साथ में लिख दी है उसको आप लोग देख लेंगे आ, मैं आपको करवा देती